डिशेज में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं, ये देखिए पालक है, पालक पहाड़ी पालक है। पहाड़ी पालक ऐसे होता है इस तरह से, ये देखिए। और ये सोया है, ये पालक है पहाड़ी, और ये सोया है। आलू, बैंगन और मटर की ये सारे मिक्स सब्जी में बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। हरे मिर्च ली हूँ, अदरक ली हूँ, दो लहसुन ली हूँ, दो पोती। और पहले इस साफ को साफ करेंगे। ये देखिए सोया को इस तरह से इसके डंठल ऐसे निकाल देंगे, इस तरह से साफ कर लेंगे सारे। और पालक वगैरह सब साफ करेंगे। बैंगन को पानी में काटेंगे ताकि कड़वा ना हो। और पालक को अच्छी तरह से सब साफ करके फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ। गैस जला के कढ़ाई रख रही हूँ, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बाद में टेस्ट करके अपना देख लेंगे। अभी हींग डाल दे रही हूँ थोड़ा सा। ये देखिए आलू मैंने काट दिए हैं, अब आलू को डाल दे रही हूँ इसी में उबलने के लिए। आलू डाल दिए हैं, अब बैंगन को भी डाल देंगे। अब इसमें पालक भी डाल दे रही हूँ। मैं अपने सब्सक्राइबर को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया इसके लिए। इसमें मटर भी डाल देंगे, अब इसे ढक देंगे कुछ देर के लिए पकने के लिए। ये मिर्चा है, लहसुन, अदरक, इसे हम खून लेंगे, तरह से खून लेंगे। बस उठा ले रहे हैं। लहसुन भी इस तरह से दरकचा के उठा ले रही हूँ, ढक्कन हटा के कुछ देर के बाद देख रही हूँ। अच्छे से चला देंगे। पालक भी अपना पानी छोड़ दिया है, डाल देंगे इस तरह से। के अच्छी तरह से ढक देंगे। फिर से इसे मिक्स करके चला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने पचफोरन ली हूँ, ये पांच चीजों से बनता है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। और ये दो प्याज बारीक बारीक काट ली हूँ इस तरह से। और ये धनिया है हरी, हींग थोड़ा सा बाद में तड़के देते समय दूंगी। और ये गरम मसाला है, इसमें सब मिक्स है, गरम मसाले, धनिया, मिर्चा सब मिक्स है, हल्दी। और ये देखिए लहसुन, मिर्चा, अदरक, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हमारे उत्तर भारत में इसे बहुत पसंद किया जाता है और ब्याह शादी में ये रेसिपी बनाई जाती है, मिक्स करके कचौड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे पलट लेंगे इस बर्तन में। अब करके मैं रख दी हूँ। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। मसाला में थोड़ा सा पानी मिला के इसे घोल दे रही हूँ। अच्छी तरह से हो गया है, देखिए धुआं उठ रहा है, कैमरा में दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए पचफोरन है, इसे डाल देंगे। अब ये देखिए प्याज है, इसे भी डाल देंगे।
पैन देखिए हल्का ब्राउन हो गया है, एकदम हल्का, बस इसी तरह से रहेगा। तभी हम लहसुन भी डाल देंगे, मिर्चा भी और अदरक। अब इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तरह से भून गए हैं सभी। अब इसी समय हम डाल देंगे मसाला, इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे। जी मैं जैसे कि मैंने दिखाया था कम ही नमक डाली थी, मैंने चख के देखा उसमें नमक कम पड़े हैं, तो थोड़ा सा नमक मैं इसमें डाल दे रही हूँ। देखिए मसाला अब तैयार हो गया है। अब हम इसमें सब्जी डाल देंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे। कुछ देरी तक, करीब मतलब एक मिनट तक चलाते हुए पकाई हूँ ताकि सब्जी नीचे जले ना। और अब ये सब्जी एकदम बन के तैयार हो गया है। अब इस समय डाल देंगे हरी धनिया। कढ़ाई रख दी हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने आटा गूंथ रखा है। कचौड़ी का आटा थोड़ा कड़ा ही गूंथते हैं, ना बहुत ज़्यादा कड़ा और ना बहुत ज़्यादा मुलायम। और इसमें अजवाइन हमने डाला है और मोयन के लिए तेल डाले हैं और नमक डाल के इसे अच्छी तरह से गूंथ ली हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है, लेकिन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा, मैंने कचौड़ी में दिखाई हूँ। यहाँ सरसों का तेल डाल रही हूँ, मैं सरसों के तेल में ही कचौड़ी बनाऊँगी, बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से आटे को खूब बढ़िया से बना लेंगे, फिर छोटी छोटी लोई काट लेंगे। इसमें तेल लगाएंगे ऐसे, ये ली हूँ मैं कटोरी में, तेल के सहारे इसे बेलेंगे, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना पतला, इस तरह से सब बेलेंगे। ये देखिए तेल गरम हो गया है और इसमें हम अब डालेंगे, ये एकदम मध्यम आंच कर दीजिएगा, तेज आंच में कचौड़ी अच्छी नहीं बनती है, अंदर से कच्ची रहती है। इसे इसे पलट देंगे। इसे चलाते हुए हमेशा इसे इसे हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से कचौड़ी फूले। ये देख रहे होंगे कैमरा में किस तरह से अच्छे से कचौड़ी फूल रही है। इस तरह से कचौड़ी बनाएंगे और कचौड़ी बनाने में टाइम लगता है, इसलिए धीरज के साथ बनाइएगा। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गया है और सारी कचौड़ी एकदम फूल के अच्छे से हो गई है। अब इसे निकाल लेंगे एक एक करके, ये बहुत ही टेस्टी है, आप बना के देखिएगा। ऐसे सारे कचौड़ी हम बना लेंगे। और कचौड़ी बना के तैयार कर दिया है, ये बहुत ही टेस्टी है और लाजवाब है। मैं एक कचौड़ी आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा से और एकदम खस्ता से बना है। आप इसे देखिए, बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो भी नए हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।